हेलो फ्रेंड्स, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ है ड्रॉ अ एंगल एबीसी विद बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द करेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हमें 3/4 करना है इसको, यानी लेस देन 1 हो गया। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या किया इसमें, पहले हमने इसमें एक बी सी कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। तो ये बी से लेके सी तक ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने इसमें ड्रॉ करी। उसके बाद में हमने यहाँ बी पॉइंट को रेडियस मान करके एक आर्क लगाई और जितना सेम रेडियस से इस पॉइंट से यहाँ पे कट लगाया और इसको मिला दिया। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। कितना बन गया, 60 डिग्री। अब हम इसको बी वाई लाइन को यहां से 5 सेंटीमीटर यहां से कट कर देंगे। कितना कर देंगे, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी इक्वल टू 5 है। तो यहां पे हम 5 सेंटीमीटर यहां पे कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक की, ये हो गई 5 सेंटीमीटर ये हमने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए और सी को मिला दिया। सो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें करना क्या है कि ए बी सी का 3/4 बनाना है। तो इसमें अपॉन में 4 है, मैक्सिमम कितना है 4। तो हम उसको 4 इसमें क्या करेंगे, बी सी पे एक नीचे इक्वेट एंगल बनाएंगे। इक्वेट मतलब लेस देन 90 एक एंगल बना देंगे, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप। तो इसको एक बी एक्स अपन ने लाइन खींच दी, तो ये बी सी पे बी सी बी एक्स एक इक्वेट एंगल बनाया और यहाँ बी से कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क लगाया, बी वन पे कट किया, सेम रेडियस से बी वन को सेंटर मान करके B2 तक लगाया और इसी तरह B2 से सेम रेडियस से B3 और B3 से सेम रेडियस से B4। तो इस तरह से ये B1, B2, B3, B4 ये हमारे 4 पार्ट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, B4 को C से ज्वाइन कर देंगे। तो B4 को C से ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एंगल बना CB4B, तो CB4B जो एंगल है इतना ही हमें यहां पे B3 से बनाना है। मतलब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन B3 किसके बराबर करना है, B4C के बराबर। तो B4 to B4C, सो B4C के बराबर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसके लिए क्या करेंगे, हम B4 पे सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे, सेम रेडियस से B3 को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद में यहां से जो B4 से हमने आर्क लगाया इसकी विड्थ नाप लेंगे। तो यहां पे पॉइंट रख करके इसको इतना नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे और इतना ही यहां पे सेम कट लगा देंगे और B3 से इसको इस कट को मिलाएंगे। तो ये BC को C डैश पे काटती है। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहां पे C पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे किसी भी रेडियस का, सेम रेडियस से सी डैश से एक आर्क लगाएंगे और इसकी विड्थ नापेंगे और यहां से इसकी विड्थ को भी यहां पे इसके बराबर कट कर देंगे और सी डैश को इस आर्क से मिला देंगे। तो ये जाके बी ए को ए डैश पर कट करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे देखें हम कि B4C इज पैरेलल टू B3C' एंड CA या AC इज पैरेलल टू A'C'। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। सो A'B C' इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और इसका हम जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। तो ये तो हम लैंग्वेज जो हमने बोला है वही सब लिखा हुआ है, ज्वाइन दिस और ये सब पूरा लिखा हुआ है। और इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन वैसे इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर देना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल है A'B C' और यहाँ पे क्या है ABC। तो इसमें एंगल भी तो कॉमन है दोनों में और ये हमने चूंकि इसके पैरेलल बनाया तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये AC इज पैरेलल टू A'C। सो देयरफॉर यहां पे ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, A'C'B इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हो गया। अब जब ये सिमिलर हो गया, सो जब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन बराबर होगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे A'B अपॉन AB इज इक्वल टू A'C' अपॉन AC और इज इक्वल टू BC' अपॉन BC इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि हमने यहां पे ये 3/4 कर दिया। इसका 3/4 ये हो गया और इसका 3/4 ये हो गया और इसका 3/4 ये हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये 3/4 हो गया। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27. सो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. प्रूव दैट साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए. तो अब इसमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम लिख लेंगे LHS से प्रूव करेंगे इसको. तो LHS में क्या है, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए. इसमें से साइन ए कॉमन ले लें, तो साइन ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए. यहां से कॉस ए कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वन जो यहां पे दिया हुआ है, अब यहां पे हमें समझना है, यहां पे वन की वन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन की जगह लिख सकते हैं. तो हम यहां पे लिख देंगे साइन ए विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, और इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, कॉस ए और यहां पर ब्रैकेट में क्या है, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए, तो ये था ही, और माइनस विद इन ब्रैकेट वन की वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इसको इसमें से क्या हुआ, ये टू साइन स्क्वायर ए माइनस का था और ये प्लस का था, तो ये कॉस स्क्वायर ए तो जो का तो लिख देंगे, और माइनस के टू साइन स्क्वायर ए में से प्लस का साइन स्क्वायर ए गया तो माइनस का साइन स्क्वायर ए बचा. तो यहां पर साइन ए और विद इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर नीचे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए और टू कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो इसमें ये तो हम जो का तो लिख देंगे साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए और ये क्या है टू कॉस स्क्वायर ए में से कॉस स्क्वायर ए माइनस हो गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इससे कट जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो ये कट गया तो क्या आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए ये क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 10 ए. सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया. अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 इसमें द डायमीटर ऑफ द लोअर एंड अपर एंड्स ऑफ द बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक बकेट. एक तो एरिया निकालना है और फिर दूसरा उसने एक वैसा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड बाय ऑर्डिनरी प्लास्टिक. तो और पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14. तो हम इस तरह से क्या करेंगे इसमें कि ये ऐसा एक डायग्राम बना लेंगे. सबसे पहले इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बन गया हमारा फ्रस्टम का. इसमें हमें जो लोअर पार्ट का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, डायमीटर दिया था 10, तो 10 बाय 2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसका ऊपर वाले का अपर पार्ट का दिया था 30, तो 30 बाय 2 डायमीटर का 30 बाय 2 किया हाफ किया तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया. तो इस तरह से हम सारी वैल्यू लिख लेंगे. तो डायमीटर ऑफ द लोअर पार्ट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर था, रेडियस निकालेंगे तो 10 बाय 2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द अपर पार्ट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर तो इसमें रेडियस ऑफ द अपर पार्ट कितना हो जाएगा 30 बाय 2, इसको स्मॉल आर मान लिया अपने लोअर पार्ट वाले रेडियस को और इसको मान लिया कैपिटल आर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर. कैपिटल आर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बकेट, ये दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 24. अब इसमें क्या है हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना था हमें इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया. तो CSA निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए पड़ेगी, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट एच स्क्वायर ए प्लस और यहां पे विद इन ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर. तो हम इसमें वैल्यूज रख देंगे, तो एच का कितना है 24 का स्क्वायर, ये कितना है कैपिटल आर 15, स्मॉल आर कितना है 5, तो 15 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 15 माइनस 5 10 को हो गया, तो ये 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये हो गया 676 का स्क्वायर रूट दिया तो आ गया 26, तो एल इज इक्वल टू आ गया 26. हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको, तो CSA ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई एल विद इन ब्रैकेट आर प्लस आर, तो पाई कितना दिया हुआ है 3.14, एल कितना आएगा हमारा आ गया 26 आ गया, और यहां पे कैपिटल आर कितना था 15, ये निकाल लिया था अपन ने, स्मॉल आर कितना है 5, तो 15 प्लस 5 20 हो गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू 26 इंटू 20, और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा CSA ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1632.80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का CSA हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें साथ साथ में, चूंकि ये बकेट है तो इसका लोअर पार्ट
लोअर पार्ट में भी बेस है तो ये क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो ये हमें इसका निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखते हैं 3.14 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3.14, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे 78.5 हो गया। और इसी तरह हम इससे टोटल निकाल लेंगे कि मेटल सीट रिक्वायर्ड, टोटल मेटल सीट रिक्वायर्ड तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा सी एस ए और प्लस नीचे एरिया ऑफ बेस निकाल लिया हमने, तो ये सी एस ए कितना था 16,1632.80 प्लस 78, ये एरिया ऑफ बेस हो गया 78.50, तो इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1711.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ये सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है कि व्हाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड बाय ऑर्डिनरी प्लास्टिक। सो अब इसमें जनरल क्वेश्चन है तो अपने हिसाब से अपना व्यू दे दे, आप लिख सकते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है प्रोडक्ट है तो ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, या ये भी लिख सकते हैं इसमें हैवी लोड, ये भी दे दें आप साथ में, इसमें लिख देंगे वी शुड अवॉइड बकेट मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट सो इट कैन कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो इट कैन नॉट होल्ड हैवी लोड, बट ये ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा वैल्यूएबल है, आप दोनों पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 क्वेश्चन में, इसमें 29 क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्री का है, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इसमें क्या किया है, क्या करना है हमें, एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए इसमें, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड में है ऑफ द लाइट हाउस, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और इसमें रूट थ्री की वैल्यू क्या रखनी है 1.732, यानी रूट थ्री की वैल्यू रख के पूरा कैलकुलेट करके निकालना है। तो इस तरह से हम एक डायग्राम बना लेंगे, ऐसा डायग्राम बन जाएगा ये हमारा कि ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट अपन यहाँ दे देंगे कि ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है 100 मीटर है, और यहाँ से ये दो शिप्स हैं डी और सी पॉइंट पे, और यहाँ से इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का बन रहा है 30 डिग्री, दूसरे का बन रहा है 45 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर। उसके बाद में लेट द डिस्टेंस, अब इसमें मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द नियरर शिप, ये नियरर शिप है, नियरर शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस, इसको मान लिया बी एक्स मीटर, एक्स मीटर मान लिया इसको, यहां से बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लिया। और दूसरा हमें क्या मानना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, सो डी एंड सी आर द टू शिप्स, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स दैट इज डी सी, ये कितना है बायोमीटर मान लिया हमने। तो ये इस तरह से हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बी से लेकर डी तक का एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख लें, तो ये सब हमने लिख लिया। इसके बाद में अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी, तो इसमें क्या है हम tan थीटा लगाते हैं, तो tan इसमें कितना बन रहा है डिग्री, थीटा कितना बन रहा है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, तो यहां लिख देंगे ए बी की वैल्यू कितनी है 100, यहां लिख देंगे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स 1 होती है ये, तो यहां पे tan 45 की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये 100 अपॉन बी सी, बी सी की अपन ने क्या माना है एक्स माना है यहां पे, तो x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 100 मीटर आ गए, तो ये तो हमारा ये आ गया इक्वेशन 1। अब इसको क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, अब ABD में क्या होगा वही सेम, यहां पे tan 30 बन रहा है, तो tan 30 यानी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो AB अपॉन ये पूरा आ जाएगा BD। अब BD कितना है, यहां से यहां तक x है और ये यहां से यहां तक y है, तो ये BD कितना हो जाएगा x plus y, तो यहां पर रख दें हम, तो ये tan 30 की कितनी होती है वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी प्लस डी सी, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी, और बी सी क्या है हमारा एक्स है, बी सी ये एक्स है और डी सी कितना है वाई है, तो यहां पे बी सी प्लस डी सी तो एक्स प्लस वाई हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी एक्स इक्वल टू 100, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, सो आई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन, और यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 100, तो इसको 100 पुट कर दिया, 100 प्लस वाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले,
तो इसका इससे वन से किया तो एज इट इज आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रूट 3, तो इसमें y इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दे तो y इज इक्वल टू 100 रूट 3 और माइनस 100, अब इसमें से 100 कॉमन ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 100 और विद इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 की वैल्यू उसमें दी हुई है क्वेश्चन में, ये दी हुई है 1.732, तो इसमें 1.732 इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1.732 माइनस 1, तो 1.732 माइनस 1, तो इसको माइनस किया तो कितना बचा 100, और यहां से इसको माइनस किया तो इनटू 0.732, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो तो यहां पे टू जीरोज हैं तो 2 जीट बार खिसक जाएगा डेसिमल इधर, तो 73.2 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स इज इक्वल टू 73.2 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 29 कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में दो क्वेश्चन है, एक है के द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 19 to 21, तो 19 से 21 का ये एफ हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे सिंपल तरीके से, सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, तो इसमें जो दिया हुआ है क्लास दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ये हो गया आपका क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्लास पूरा उतार दिया क्वेश्चन में से 11 to 13, 13 to 15, इस तरह से लाइक दैट अप टू 23 to 25, इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी उतार देंगे 3, 6, 9, 13, F, 5, 4। अब इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 12 आ जाएगी, इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे तो ये 13 for 15 का मिड वैल्यू कितना हो जाएगा 13 plus 15, 28, 28 divided by 2, 40, 14, तो इस 14, 16, 18, 20, 22 और इसका 24, तो ये मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू आ गई, हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे इसका, तो एफ आई एक्स आई हम कैसे करेंगे, एफ आई को एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, सो 12 3 36, 14 6 84, 16 9 144, 18 और 13 का कर लेंगे ये 234 आ जाएगा, 20 और एफ का कितना आ जाएगा 20 एफ आ जाएगा, तो इस तरह से हम ये सारे निकाल लेंगे, और इसका इसका करेंगे तो 22 5 the 110, 24 4 the 96। अब हम इनको प्लस करेंगे तो इसको एक्सक्लूडिंग दिस फिगर, क्योंकि ये तो ऐड होगा नहीं इसमें, तो इन सारी फिगर्स को 36 84 144 234 110 96 इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 704 और प्लस में आ गया 20F। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इस F को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर लेंगे तो 3 6 9 13 5 4 तो ये 40 हो गया और यहाँ पे प्लस एफ आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा एफ आई, और ये क्या था हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब सम, तो इसका सम ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आ गया और सिग्मा एफ आई आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स डैश इज इक्वल टू 18 हमें ये दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है इसका कितना 18 दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई हमें दिया हुआ है, हमने निकाल लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई, हम यहाँ पे लिख लें 704 प्लस 20F, तो सिग्मा इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 704 प्लस 20F और सिग्मा एफ आई कितना है 40 प्लस एफ, और यहाँ पे मीन की वैल्यू हमने 18 रख दी है, दिया हुआ है इसको क्रॉस, इसको कैलकुलेट कर ले, कैसे करेंगे कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा 704 प्लस 20F इज इक्वल टू 18 for the 72, तो ये हो गया 720, तो 720 लिख दिया और 18 मल्टीप्लाइड बाय एफ इज इक्वल टू 18F हो गया, तो ये निकाल लिया अपन ने, तो इस तरह से ये अब इसको ट्रांसपोज कर दें, इसको 20F को यहीं रहने दें, 18F को इधर ले आते हैं, तो 20F माइनस 18F इज इक्वल टू 720 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया 704, तो ये 20F में से 18F गया तो 2F बचा इज इक्वल टू कितना बचा ये 720 माइनस 704 16, तो एफ इज इक्वल टू 16 upon 2, तो 16 बाय 2 इसको काट देंगे तो 2 से कट गया ये 8 टाइम्स, तो F इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना आ गया 8 आ गया, तो ये हमारा हो गया 30 का। 30 का और पार्ट भी है, और पार्ट में क्या है, 30 के और पार्ट में इसमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, डेली इनकम इस तरह से दी हुई है 100 to 120, इस तरह से ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 12 14 8 6 10, तो कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ अ ओजीएफ ग्राफ, तो हमें ओजीएफ ग्राफ बनाना है इसका, और इसमें क्या है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
इसकी निकालनी है, तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे अपन, हमने इसको इसमें ग्राफ पे ही टेबल बना दी है, आप लोग तो व्हाइट पेपर बनाए, इसमें ग्राफ पे ही हमने इसमें टेबल बना दी है, चलिए ये व्हाइट पेपर पे बनानी है आपको, तो इसको देखें जरा ध्यान से, इस तरह से हमने टेबल बनाई है। इसमें क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में हमने लिया डेली इनकम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसका लेस देन बनाना है, तो कैसे करेंगे हम, 100 जो पहले लिख लेंगे 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए 12, 14, 8, 6, 10। फिर इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेस देन 120 निकालेंगे, इसकी जो अपर लिमिट है यहाँ पे लेंगे हम लेस देन में, तो लेस देन और मोर देन होता है तो उसमें लोअर लिमिट लेते हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट लेंगे, तो क्या करेंगे लेस देन 120, फिर लिखेंगे लेस देन 140, तो इस तरह लेस देन 120, लेस देन 140 ये कॉलम बना लेंगे, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। अब हम क्या करेंगे, इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 12 का 12 रख दिया पहले, अब 12 प्लस 14 यहाँ पे हमने लिख दिया है, 12 प्लस 14 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 26, तो इसको ओवरराइटिंग नहीं करना है, हम ऐसे अच्छे से इसको ऐसा राउंड करके यहाँ पे 26 अच्छे से साफ साफ लिख दें, 26 तो यहाँ पे ये 26 आ गया। इसी तरह 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 कितना हो गया 34, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50, तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा हो गया। अब हमें इससे ग्राफ बनाना है, तो अब देखें इसको ग्राफ बनाने में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पे हमने एक ये यहाँ पे ले लिया क्लिंक लगा दी और ये 120 ले लिया, ये जो वैल्यूज लिए हैं यही वैल्यूज लेनी है, यहाँ से उठानी है वैल्यूज, यहाँ पे लिख देंगे हम ये लेस देन है, डेली इनकम लेस देन, ठीक है, तो ये लेस देन है तो यहाँ पे लिख दिया 120, 140, 160, 180, 200 और यहाँ तक पूरे ये ले लिए। और इधर हम क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि इसमें छोटा छोटा वन जो स्क्वायर है उससे हम काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें 120 पे कितना है, 120 पे 12 है, तो हमने 120 यहाँ से लिया और ये 10, 11, 12, तो इसके सामने ही आ गए 120 और इधर से ले लिया हमने 12, तो ये पॉइंट रख दिया। इसी तरह 140 पे 26 है तो 140 और ये 25, 26, तो इधर 26 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दी 140 और 26। ऐसे 160 से, 160 से कितना है 40, तो हम सीधा सीधा 160 से नहीं सॉरी 160 पे है 34, 160 पे 34, तो 160 पे 34 है तो 34 यानी 35 ये उससे एक पहले नीचे पॉइंट है, यहाँ पे 34, 160 और ये 34। अब यहाँ पे क्या करेंगे 180 और 40 इस तरह से लगा देंगे, और इसमें दूसरा 180 पे 40 लगा दिया, 180 वो इधर से ले लिया 40 और यहाँ पे क्या है 200, ये 200 आ और ये 50, तो 50। इन पॉइंट्स को सबको हम मिला देंगे, ऐसे इन पॉइंट्स को सारे को मिला देंगे, तो ये हमारा लेस देन ओजीएफ ग्राफ बन गया। तो इस तरह से ये पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, ये सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th 2018 का सेट वन पूरा सॉल्व हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और सही सही किए होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स से मैथ्स में एवं अन्य सब्जेक्ट्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और फ्रेंड्स, एक बात और, अपने छोटे भाई बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आगामी वर्षों में वो भी इसका पूरा लाभ ले सकें। समय समय पर मैं वीडियोस डालता रहूंगा, और आपको पुनः एक बार ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।